रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव ने भारतीय राजनीति को ऐसे समय में एक नया मोड़ दे दिया है जब पूरा देश एक भयंकर त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में कई राज्यों में चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां अभी तक प्रचार नहीं थमा है। ऐसे में बात अगर असम की राजनीति की करें तो कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं बल्कि असम में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अदा करने वाली पार्टियाँ पूरे दमखम के साथ राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर देने में जुटी हैं। ऐसे में कांग्रेस AIUDF के साथ गठबंधन कर अहम भूमिका अदा कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद असम की कमान अपने कंधों पर उठा रखी है। इसी कड़ी में कांग्रेस असम में अपनी गठबंधन की राजनीति को बनाए रखने के लिए जी जान लगा रही है। कांग्रेस ने हाल ही में अपने कुछ विधायकों को असम से जयपुर में शिफ्ट कर दिया है। वैसे तो कांग्रेस के इस फैसले के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या है इसकी असली वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। असम विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। AIUDF के बदरुद्दीन अजमल ने इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया है। बावजूद इसके बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का डर विपक्षी पार्टियों में इस कदर घर कर चुका है कि असम में कांग्रेस गठबंधन के विधायक प्रत्याशियों को राजस्थान के होटल फेयरमोंट पहुंचा दिया गया है। चुनाव परिणाम आने से पहले विधायक प्रत्याशियों को इस तरह रिजॉर्ट भेजने का ये पहला मामला कहा जा सकता है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है और कांग्रेस को भरोसा है कि ऑपरेशन लोटस यहां सफल नहीं हो पाएगा। कांग्रेस और AIUDF में ऑपरेशन लोटस की संभावना के डर का अंदाजा कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के बयान से लगाया जा सकता है। सुरजेवाला ने विधायक उम्मीदवारों को राजस्थान शिफ्ट करने के सवाल पर कहा कि इसका जवाब हेमंत विश्वास शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल दे सकते हैं। इस बयान से साफ है कि ऑपरेशन लोटस का डर कांग्रेस गठबंधन में चुनाव परिणाम से पहले ही घर कर चुका है। ऑपरेशन लोटस के बाद से देश में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स काफी बढ़ गई है। कर्नाटक, गोवा, पांडिचेरी में ऑपरेशन लोटस कामयाब रहा है। मध्य प्रदेश में तो ऑपरेशन लोटस की वजह से कमलनाथ सरकार मुंह के बल गिर पड़ी थी। राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही प्रयास किए गए थे, लेकिन भला हो कांग्रेस नेतृत्व का जो वक्त रहते संभल गए और गहलोत सरकार बच गई। राजस्थान में हुई बगावत के समय भी विधायकों को होटल फेयरमोंट में रखा गया था और गहलोत सरकार गिरने से बच गई थी। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि होटल फेयरमोंट बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए एक सबसे सुरक्षित जगह है। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के कुछ दिनों बाद ही असम में बीजेपी की सहयोगी पार्टी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने NDA से अलग होकर कांग्रेस गठबंधन को मजबूत करने का फैसला लिया। इस स्थिति में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए इस बार सत्ता की कुर्सी में काफी रोड़े आ सकते हैं। असम में NRC समेत कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन इन सभी मुद्दों को पछाड़ने में पुराने कांग्रेसी रहे और वर्तमान में सोनोवाल सरकार के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को अच्छी तरह से आता है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने ही बीजेपी को सत्ता के रास्ते पर आगे बढ़ाया था। असम की सत्ता में बीजेपी को लाने का श्रेय हेमंत बिस्वा शर्मा को ही जाता है। असम में बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार के तौर पर हेमंत का कद लगातार बढ़ा है। इस वजह से कांग्रेस गठबंधन में डर है कि ऑपरेशन लोटस में हेमंत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस गठबंधन ने पहले ही अपने विधायक प्रत्याशियों को राजस्थान के होटल फेयरमोंट भेज दिया है। वैसे बीजेपी की ओर से अब तक जितनी भी बार ऑपरेशन लोटस चलाया गया है उसका सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। राजस्थान की गहलोत सरकार और महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो ऑपरेशन लोटस के फेल होने के मौके कम ही रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन ने भले अभी से ही विधायक प्रत्याशियों को राजस्थान शिफ्ट कर दिया हो, लेकिन 2 मई को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी को ऑपरेशन लोटस चलाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं। चुनावी नतीजों के बाद ऑपरेशन लोटस चलाने में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। ऑपरेशन लोटस में कोई ना कोई तिकड़म भिड़ाकर बीजेपी सरकार में आ ही जाती है। कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। कुमारस्वामी सरकार 14 महीनों बाद गिरी थी और बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा ने कमान संभाली थी।
ऑपरेशन लोटस को 2004 में पहली बार कर्नाटक में चलाया गया था। ऑपरेशन लोटस में कुछ विधायकों को इस्तीफा देना होता है और वो उपचुनाव में फिर से निर्वाचित होकर सरकार बनाने वाले दल का साथ दे देते हैं। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल सरकार बनाने के मामले में केवल 5 राज्यों में सिमट चुका है। 3 राज्यों राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहीं झारखंड और महाराष्ट्र में वो साझा सरकार का हिस्सा है। इस स्थिति में असम को लेकर वहाँ वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। पांडिचेरी में जो हुआ उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ना चाहता है। हालांकि ऑपरेशन लोटस कांग्रेस सरकार बचाने के कुछ महीने बाद भी चल सकता है। फिलहाल कांग्रेस ने अपने अभेद के लिए होटल फेयरमोंट में विधायक प्रत्याशियों को शिफ्ट कर दिया है और ये काफी हद तक ऑपरेशन लोटस से बचने का कारगर उपाय भी लग रहा है। पूरी स्थिति 2 मई को चुनावी नतीजे के बाद साफ हो पाएगी कि असम में ऑपरेशन लोटस चलता है या फेल होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।